नमस्कार जी, मैं मंजू। आज दिसंबर की 12 तारीख है और आज मैं एक ऐसी वेजिटेबल के बारे में बताऊंगी जो कि न्यूट्रिएंट से भरपूर है। तो जैसे कि आप ये मेरे गार्डन में देख ही रहे होंगे, तो मैं अगस्त महीने में हिमाचल से इसे लेके आई थी। तो ये पालक है, जो बेल वाली पालक होती है, मालवार स्पिनेच कहते हैं, पोई साग भी से कहा जाता है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लगती है। तो इसे आप गार्डन में जो ऑर्नामेंटल के तौर पे भी लगा सकते हैं, गार्डन की बहुत ही शोभा बढ़ाती है। और इस्तेमाल का तो आप इसे कर ही सकते हैं, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं और नाजुक नाजुक जैसी स्टेम होती हैं, और जो इसके ये सीड्स देख रहे हैं ना, ये वाले सीड्स देख रहे हैं, तो इनका भी इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीज़ों का, इससे जड़ को छोड़ के सब चीज़ों का इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो जो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ये बेल, इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसमें खूब सारा जो है मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम और भी इसमें बहुत कुछ जो पाया जाता है, जो कि हमारे खाने में होना ज़रूरी है। तो इस बेल को आप लगा सकते हैं। तो लोग इसका, इसकी पत्तियों का जो नाजुक जैसी स्टेम्स होती हैं, उनका साग बना के खाना पसंद करते हैं। और फ्रेश लीव्स को आप कच्चा सैलड के तौर पे भी खा सकते हैं, सब्जी जैसे मर्जी अपना आपका मन करे बना सकते हैं, सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब तरीक़ों से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मालाबार स्पिनेच को आप जो एनुअल और पेरिनियल दोनों ही तरह से ये लग जाता है। तो अपने यहाँ का क्लाइमेट देखें, जिन जगहों में जैसे ठंडा मौसम रहता है, क्योंकि इसे फ्रोस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी से पसंद नहीं, तो वहाँ ये एनुअल के तौर पे लगता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, मैं इसे अगस्त में हिमाचल से लेके आई थी, तो हिमाचल में ये एनुअल के तौर पर लगता है। और जहाँ कहीं भी इसके जैसे सीड्स अपने आप गिर गए होते हैं, जब गर्म मौसम होने लगता है, तो अपने आप ही इसके प्लांट्स जो है निकल आते हैं। और कई जगह जैसे मेरे यहाँ, तो ये देखो आज दिसंबर की 12 तारीख हो गई है, तो भी ये बेल बिल्कुल हरी भरी है। और कुछ दिनों पहले जो है इसके फूल बनना स्टार्ट हुए और फिर ये जो इस तरह से सीड तैयार हुए, तो अब इसकी जो ग्रोथ रुक गई है, तो ये फूल इस तरह से हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये रेड रेड कलर की हो रही है, और इस तरह से उसके बाद ये पक के इस तरह से ये कुछ हो जाती है। तो इसे, इनके सीड्स को भी खाया जाता है, बट मैंने इसके सीड्स जो है कभी खाने में इस्तेमाल नहीं किए हैं। पत्तों की मैंने सब्जी बनाई है और पकौड़ी जो है इसकी मैंने बनाई है। तो ये इस तरह से जो मेरे गार्डन में लगी है, ये ग्रीन कलर की भी होती है और रेड कलर, जिसकी स्टेम रेड होती है और पत्तों में जो लाइनें बीच में होती हैं वो भी पर्पल जहाँ रेड कलर के इस तरह के होते हैं। और दोनों का ही इस्तेमाल आप खाने के तौर पे कर सकते हैं। इसके जो पत्ते जो होते हैं, ओवल शेप के और हार्ट शेप के, थोड़े मोटे जैसे सेमी सकुलेंट होते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत, जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं। तो इसलिए लोग इन्हें ऑर्नामेंटल के तौर पर भी अपने गार्डन में ग्रो करते हैं। ये पोई साग बहुत ही जल्दी बढ़ने वाली बेल है। तो इसकी प्रोपगेशन कैसे होनी है, तो प्रोपगेशन के लिए इसे आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और स्टेम कटिंग से भी ये ग्रो हो जाती है। तो सीड इसके आप जब गर्म मौसम होने लगता है, स्प्रिंग के बाद में जैसे मौसम गर्म होने लगता है, जहाँ स्प्रिंग ख़त्म होने को आता है कई जगहों में, तब ज़्यादा गर्मी होने लगती है, तो तब इसका सीड लगा सकते हैं। आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं और बरसात के टाइम भी लगा सकते हैं, और कटिंग भी आप बरसात के टाइम लगा सकते हैं, तो ये ईज़िली तैयार हो जाता है। मैंने इसे जो ग्रो कर रखा हुआ है वो 15x15 का ग्रो बैग है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इस तरह के ग्रो बैग में ये इस लगा रखी हुई है, तो मैंने सोचा इतनी दूर से मैं लेके आई हूँ, तो चलो इस बैग में मैं लगा ही देती हूँ। हालांकि बैग ये पूरा नहीं भरा है, हाफ भरा हुआ है मिट्टी से, इस तरह से ये देखिए, पहले बेल देख लीजिए।
तो इसको ग्रो करने के लिए मिट्टी किस तरह की चाहिए, तो किसी भी तरह की मिट्टी में ये ग्रो हो जाता है। बस आप उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें थोड़ी सी भी, जैसे खाद वगैरह, गोबर की खाद हुई, जहाँ बर्मी कंपोस्ट, जहाँ पत्तों की खाद, वो मिला लें, थोड़ी भुरभुरी जैसी मिट्टी कर लें, कि बड़ी हार्ड मिट्टी, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और धूप कैसे चाहिए, तो ये फुल सनलाइट में भी चल जाती है और हाफ डे सनलाइट में भी। जैसे गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है तो इसे फुल सनलाइट में आप, सॉरी, हाफ डे सनलाइट में रख सकते हैं। और जब, जैसे अभी ठंडा मौसम है तो इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो बट मैंने दीवार के पास लगाई है, तो यहाँ सुबह की, अभी आजकल जो है मेरे ख्याल से 3-1 घंटे की धूप पड़ती है, तो गर्मियों में तो धूप सुबह सुबह ही आ जाती है, तो अभी जो इस टाइम धूप लेट आती है और जल्दी ही चली जाती है। तो मैंने सोचा अब कौन बैग हटाए, तो इसी जगह में मेरे ये लगी हुई है। तो इसे पानी कैसे देना है, पानी कैसा भी मौसम हो तो मिट्टी इसकी हल्की मॉइस्ट ही होनी चाहिए, बस ओवर वाटरिंग ना करें। और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया कमाल का होना चाहिए, मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुकता है तो ये बिल्कुल पीली जैसी हो जाएगी स्टेम भी और ये भी, और फिर ये आपका प्लांट जो है इसकी रूट्स ख़राब हो सकती हैं और ये मर सकता है। मुझे तो इसके जो ये ब्लैक बेरीज, जो इसके सीड्स हैं, ये ही देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और मैं इन्हें खा के भी ज़रूर देखूंगी कि इनका टेस्ट कैसा होता है। तो यही बस जानकारी थी इसके बारे में। और यहाँ कहीं भी सीड्स गिर जाते हैं तो अपने आप ही जब मौसम आएगा इसका उगने का तो ये लग जाएगी। इस बेल को जो आप है अपनी क्यारियों में मिट्टी में लगा सकते हैं तो ज़्यादा इसकी ग्रोथ होगी। तो मैंने, खैर, बड़े बैग में लगाई है, पर मैंने मिट्टी से उतना भरा नहीं है, इसको हाफ ही भरा हुआ है, तो भी काफ़ी अच्छा। पालक इसे वैसे कहते हैं, मालावार स्पिनिच, पालक ये होता नहीं है क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है पूरा पालक जैसा होता है और पत्तियाँ भी काफ़ी कुछ वैसी ही दिखती हैं। मैंने इसके एक सीड को भी तोड़ के खाया है, ना वो मीठा है ना खट्टा है, बिल्कुल पालक जैसा टेस्ट है। तो न्यूट्रिएंट्स के कारण सीड्स भी इसलिए खाते होंगे, वैसे टेस्ट कोई नहीं है, पके हुए सीड में भी कोई ऐसा नहीं है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और मधुमक्खियाँ देखिए मेरे गार्डन में, फूलों में कितनी सारी, ढेर सारी आ रही हैं, ये बैठ रही हैं। तो अब करती हूँ कि मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, और ये बहुत ही से ग्रो करना जो बहुत ही आसान है, बस बेल जो जब बड़ी होने लगती है बहुत ही जल्दी बढ़ती है और बांधना पड़ता है, भारी हो जाती है। जैसे मैंने 2-3 जगहों में थोड़ा रस्सी से बांध के रखी है और चढ़ाने के लिए भी इसे रस्सी दी है ताकि अच्छे से चढ़ सके, और बड़ी नाजुक होती है जब शुरू शुरू में बढ़ती है, तो धीरे से इसको जो रस्सी से